Yo, what's up guys? Welcome back any other gameplay videos. आज की स्टूडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्रेजी रेसिंग कार टूर्नामेंट एंड अदर मोड्स स्टेज ट्राई करने वाले हैं इस गेमप्ले में। अगर आपने अभी तक वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना और इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में ताकि हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएं या फिर ना बनाएं। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम यहाँ पे न्यू कार बाय कर लेते हैं। भाई इतने हैं हमारे पास पैसे और इसी के साथ हम कार बाय कर ली है और वीडियो करते हैं स्टार्ट और हम फर्स्ट राउंड ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्रेजी मोड ट्राई किया था, इस दफ़ा हम ट्राई करने वाले हैं जीटी स्टंट्स ट्राई करने वाले हैं और हम यहाँ पे माउंटेन सेलेक्ट करेंगे भाई, क्योंकि जो सन मोड है वो भी मैंने पहले से ट्राई किया हुआ है एंड अदर सिटी मोड में मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा और नाइट मोड हम खेलना नहीं चाहते, तो इसीलिए हम माउंटेन मोड में क्लिक करके वहाँ से स्टार्ट करते हैं गेम प्ले को फर्स्ट लेवल। एंड यार अभी तक आपने वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ही कमाल की होने जा रही है। और के भाई सब यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेवल स्टार्ट हो चुका है और जो इसका इंट्रो है और गाड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा रियल ग्राफिक्स है और गाड़ी की जो डिज़ाइनिंग है मॉडिफिकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट टाइप की है। ओके सर यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेवल स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हमने 2 और 3 गोल्डन कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं। ओके सर रेस दो। ओके भाई जा रही है यहाँ पे गाड़ी। ओ भाई ये क्या हो गया, ए भाई नीचे ना गिरना कसम से। एक मिनट भाई बच गई। ओ शिट यार मुझे यहाँ पे अपना बूस्ट प्ले करना था बट तभी मैंने नॉर्मल से रेस दी जिसकी वजह से गाड़ी मेरी गिर गई। ओके भाई मैं बूस्ट देने वाला हूँ। बूस्ट का जो सिलेंडर था वो मैंने शुरू में ही स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया, अब दोबारा से मुझे बूस्ट मिल चुका है। ओके भाई सीधा नीचे मैंने बूस्ट अपना प्ले किया और सीधा नीचे गए, इसी के साथ बूस्ट हमारे पास जो दोबारा से ख़त्म हो चुका है भाई, ऐसा ऐसा हमारे पास वापस आ रहा है इससे पहले कि यार गाड़ी दोबारा से ना गिर जाए। ओके भाई बूस्ट तो आ चुका है हमारे पास लिया और भाई नीचे, पहले हमने फिर से नीचे गए अब दोबारा से नीचे आए हैं और भाई कुछ टाइम बाद ये ना हो कि हम ज़मीन पर पहुँच जाएँ। ओके सर ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और यार फीडबैक ज़रूर देना अपना कमेंट बॉक्स में कि ये गेम आपको कैसी लगी और इसका नेक्स्ट पार्ट डालें या फिर ना डालें। ओके सर यहाँ पे हम वन वे पे आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रोड है। ओके भाई मैंने यहाँ पे बूस्ट पे प्ले करके टर्न करने की कोशिश की ताकि यहाँ तो फिर अच्छी सी ड्रिफ्ट लगती या फिर काफ़ी ज़्यादा टर्न होता अच्छा बेस्ट मोमेंट से, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और वो सीधे जाके दीवार में लगे भाई। ओके सर यहाँ पे मैंने ओ भाई फिर से लगे, कसम से मैंने सोचा था नॉर्मल सा बूस्ट लूँगा एंड बट फिर से लग चुकी है भाई गाड़ी, बट मसले वाली बात नहीं है, हमने यहाँ पे 2 फुटबॉल्स को भी हिट कर दिया है और हमारे दोनों के दोनों गोल हो चुके हैं। ओके सर फाइनली यहाँ पे हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। ओके सर भाई साहब पीछे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और जब गेम प्ले स्टार्ट हुई थी तो हमारा फ्लैग लगा हुआ था पाकिस्तान का, बट मसले वाली बात नहीं है, शुरू पाकिस्तान से करते हैं और कंप्लीट हम इंडिया में करते हैं। इतनी लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं कि भाई कमाल ही कर देते हैं। ओके सर यहाँ पे हमारा जो सेकंड लेवल स्टार्ट हो चुका है एंड ये हमने ओपी स्टंट किया कसम से। ओ भाई क्या गाड़ी की लुक है कसम से भाई, अखीर की गाड़ी की लुक है। ओके सर यहाँ पे हमने गोल्डन कॉइन्स भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर लिए हैं भाई, यहाँ पे हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। बस ये काफ़ी ज़्यादा छोटा मिशन था बट मसले वाली बात नहीं है, अब हम ट्राई करने वाले हैं इम्पॉसिबल मोड। इनका कहना है कि भाई ये मोड को कंप्लीट नहीं कर सकता, मतलब इम्पॉसिबल जैसा कि आप समझ रहे हैं, बट हम वही खेलने लगे हैं। ओके सर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल रोड है बट इम्पॉसिबल तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा क्योंकि इसके जो साइडों पे कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने कहा है कि इम्पॉसिबल, बट यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम इम्पॉसिबल के हैं। ओ भाई गाड़ी कसम से सीधी गिर गई क्योंकि ये गाड़ी सुपर कार है और ज़्यादातर आपको पता होगा कि सुपर कार बहुत ही कम टाइम में टर्न करती हैं भाई, मतलब बहुत ही ना जो ज़्यादा टाइम लेती हैं टर्निंग में, अगर हम ड्रिफ्टिंग करेंगे तो वो जल्दी टर्न कर जाती हैं। ओके सर यहाँ पे हमने हमारा ये भी मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब सर मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना क्रेजी मोड स्टार्ट कर दें जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्रेजी मोड न्यू मोड खेला था और यहाँ पे हमने मैंने सन मोड कलेक्ट कर लिया है।
सेलेक्ट कर लिया है, कलेक्ट कह रहा हूँ। यार अगर अब ये तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दो, और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। और यहाँ पे हमारा एक सुपर हीरो आ चुका है, इसका नाम है वंडर, नहीं वंडर नहीं है भाई, इसका नाम शायद अभी से मुझे याद नहीं आ रहा। ओके सर, इसकी बंदे की जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की गाड़ी है, और इस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है स्पीड 68। ओके भाई, काफ़ी ज़्यादा ओपी डिज़ाइनिंग फुल गाड़ी है, और हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं फाइनली। ओके भाई, हम यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट की और चलाना तो शुरू कर दिया, बट काफ़ी ज़्यादा स्मूथली कंट्रोल है। ओके सर, यहाँ पे मैंने बूस्ट लगा दिया है, और मैं आपको यहाँ पे एक अमेजिंग बात बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास से बूस्ट टैंक कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ये क्रेजी मोड है। ओ भाई, एक मिनट मिनट, पीछे चलो भाई, यहाँ पे मैंने एक बंदा उड़ाया, मैं सारों को उड़ाऊँगा जैसा कि आपको साउंड आ रहा है। एक मिनट भाई, यहाँ पे बूस्ट दे, ओ भाई सारे मैंने बंदे भी उड़ा दिए फाइनली। अभी तो यार आपको लाइक कर ही देना चाहिए, इतने बंदों को मैंने मार दिया एकदम से। ओ गई भाई फाइनली, एक मिनट, ओ भाई गाड़ी की कसम से अच्छी खासी टक्कर हो गई भाई। ओ भाई एक मिनट, इसको रोक के थोड़े से रेस देने पड़ेंगे, एंड सुपर रेस दे दो भाई। अगर ओके भाई पहुंच गई, एंड ब्रेक लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आएगी, और यहीं पे हम बूस्ट दे देंगे इसे। ए भाई आराम से नीचे तो आ गई है, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और फुटबॉल्स को हिट करते हैं, और यहाँ पे दोबारा से बंदे आ चुके हैं, और हमने फिर से दोबारा से काफ़ी ज़्यादा बंदों को हिट किया है, एंड हम गोल्डन कॉइन्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, और अब हमें बूस्ट दे ही देना चाहिए भाई, क्योंकि सामने जो एक मिनट हमने उसे भी, ओके भाई अचानक से वो एक और बंदे आ चुके थे। ओके भाई, यहाँ से ऊपर जाने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अगर हम इधर उधर गिर गए तो हमारा जो मिशन है वो भी फेल हो जाएगा, और जो हमारी गाड़ी है सुपर कार ये भी वेस्ट हो सकती है, इतनी महंगी गाड़ी जो मैंने इतनी मुश्किलों से खरीदी है भाई, परचेस की है, तो भाई ये भी वेस्ट हो गई। फाइनली हमारी एक गाड़ी, हमारे जो मिशन है वो कम्प्लीट हो चुका है, और हमने इधर से एक गाड़ी को उठा के सुपर कार को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है, और दूसरा हीरो आ चुका है। इस हीरो का नाम तो यार इसका भी नहीं मुझे पता है। ओके सर, फाइनली जो इसकी गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा रेड एंड ब्लैक और फायर कलर है, कसम से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी है, और जो इसके स्मूथ कंट्रोल्स है ना, इसकी तो भाई बात ही ना करो, कसम से स्मूथ कंट्रोल्स हैं, और इसका बूस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट काली गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है भाई, जो इसका बूस्ट है, और पीछे मैंने 3-4 बंदे और उड़ा दिए इस गाड़ी से भी। ओके सर, ओ भाई ब्रेक 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 ब्रेक, बच गया भाई फाइनली बच गया, नहीं तो एक मिनट आराम से एक मिनट भाई, उड़ा दे यहीं से, ए उड़ गया। ओके भाई ब्रेक लगाइए आराम से, नीचे ना जाना, नीचे नहीं, शुक्र है बच गई भाई, नहीं तो मुझे तो लगा था कि नीचे गई, अगर नीचे जाती तो यार सुपर कार हमारी जैसा कि आपको पता है वेस्ट हो जाती है, और फिर से मैंने इससे बंदे उड़ा दिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा आराम से। और यार बंदे मेरे सामने क्यों खड़े हैं, साइड पर होकर खड़े हो जाओ, कसम से रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर उड़ाऊँ ना तो क्या करूँ भाई इनका। ओके इस दफ़ा बच गए, मैं बिल्कुल दरमियान से गुजर गया। ओ बूस्ट भाई, हमारा जो पैरासूट गाड़ी का खुल चुका है, और हम आहिस्ता से लैंड करने ही वाले हैं। ओके सर, फाइनली बच चुके हैं, और जैसा कि नज़र आ रहा होगा आपको कि फर्स्ट गाड़ी जो हमारी पहले हमने ड्रॉप की थी वो आप लोगों के सामने खड़ी है, और यहाँ पे हम इसे भी ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट गाड़ी को यहाँ पर लेके आते हैं। इसी के साथ यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर देना, ताकि आपको ऐसी 3D विद फनी कमेंट्री वॉइस की गेम प्ले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके भाई, ये गाड़ी तो आप सबको पता ही होगी कि ये भाई गाड़ी है, ये गाड़ी का नेम ही मुझे भूल गया भाई, इसमें अट्टा कटा मोटा ही सुपर हीरो बैठ चुका है, जिसका नाम है हल्क। ओके भाई, इस गाड़ी का नाम था यार मर्सिडी, नहीं यार, इस गाड़ी का नाम था वुगाटी सैबरॉन। ओके भाई, वुगाटी सैबरॉन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कार है, और इसका जो बूस्ट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अप लेवल का है, एंड यहाँ पे मेरी गाड़ी उड़ चुकी है। ओ भाई सीधी जाके लग गई, शुक्र है बच गया, नहीं तो सीधी नीचे जाती तो हमारी बुगाटी सैबरॉन ख़त्म भी हो सकती थी। और इसको पीछे लड़ते हैं और फिर दोबारा से बूस्ट लगाते हैं और हाई जंप करते हैं इसके साथ। ओके सर, मैंने बूस्ट को लगा दिया है, एंड ओपी, यहाँ पे मैंने एक भी गोल्डन कॉइन नहीं कलेक्ट किया, क्योंकि इसकी जो गाड़ी की स्पीड है और जो इसका बूस्ट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है, और मेरा उसके ऊपर ध्यान था भाई, गोल्डन कॉइन तो मैंने कलेक्ट ही नहीं किए,
बट मसले वाली बात नहीं है, आराम से भाई इसको आराम से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महंगी गाड़ी यही है, ये 400 करोड़ की गाड़ी है भाई, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कार है। ओके सर, ओके भाई, इसका भी पैराशूट तो खुल चुका है एंड मुझे मेरे लगता है, ओ भाई, ओ शिट यार, कसम से इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है ना हमारी गाड़ी का, बुगाटी सैवरॉन हमारे से भाई लैंड ही नहीं हुई और वो साइड पे जाके गिर गई, जिसकी वजह से वो वेस्ट हो चुकी है भाई। ओके यार, ये बड़ी मतलब गलत बात हो गई है भाई, और ये वाला सुपर हीरो डांस करा है, कसम से हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया यार, पागल भाई हमारा नुकसान हो गया, चुप कर जा भाई, खड़ा हो जा, और ये भी डांस कर, देखो भाई ये तो कोई नेक्स्ट लेवल का स्पाइडरमैन लग रहा है, कसम से वाइट स्पाइडरमैन अमेजिंग है भाई, ओपी, बट हमारा नुकसान हो गया, इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, अगर आपको भी अफसोस है तो यार कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको अफसोस हुआ है तो। बट यहाँ पे हमने लैम्बोर्गिनी उठा लिया और बैठ गए इसके अंदर, जो इसके स्मूथ कंट्रोल्स है ना भाई, इसकी तो बात ही अलग है, जो इसके कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं और जो इसका बूस्ट पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल है, बुगाटी सैवरॉन जितना तो नहीं है बट कम भी नहीं है। ओ भाई उड़ गई, अब नहीं वो वाली गलती करनी, आराम से भाई लैंड कर दी, रोक दी भाई आराम से, मैंने रोक के इसको भाई कहा कि आराम से उतरो और सीधी तरह चलो, बंदों की तरह ड्रामे नहीं कर रहे। ओके सर, यहाँ पे हम वापस करते हैं, जब मैंने लास्ट टाइम इसको यहाँ पे जब इसने हाई जंप किया तो मैंने इसे स्टॉप कर दिया था, बट उसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी कम हो गई कि मैं ये जंप नहीं कर पाता, तो इसीलिए हमें पीछे करना पड़ेगा गाड़ी को। ओके सर, मैंने पीछे कर लिया है एंड और पीछे कर लेते हैं भाई, बाद में ये ना हो कि रास्ते में गिर जाए ऐसा नहीं होगा भाई ऐसा, तो मैं बूस्ट के साथ पूरी पावर के साथ जाने वाला हूँ। ओके सर, हम यहाँ पे आराम से उतरने वाले हैं एंड पूरे बूस्ट पावर मैंने लगा दी है। ओके, गोल्डन कॉइन्स भी कलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे यार कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा, कसम से इस दफ़ा कोई बंदा नहीं आया, क्योंकि पहले जो 3 गाड़ियाँ मैं लेके गया हूँ सारे के सारे बंदे मैंने उससे हिट करके ख़त्म कर दिए भाई। ओ नहीं यार, शिट भाई, नुकसान पे नुकसान ही हो जा रहा है, और भाई 250 करोड़ की गाड़ी भी हमसे निकल गई, ये लैम्बोर्गिनी भाई, शिट यार कसम से ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात हो गई है हमारे से, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, हमने 2 गाड़ियों को ड्रॉप कर दिया और 2 गाड़ियों को वेस्ट कर दिया। ओके सर, ये भी कार तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है बट हमें इसे आराम से लेके जाना पड़ेगा, कहीं ये ना हो कि भाई ये भी ज़ाया हो जाए, बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए भाई। एक मिनट भाई, आराम से इसको स्टार्ट करते हैं एंड इसका जो साउंड व्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ओके सर, एंड मैं आपको पीछे खड़ी अपनी गाड़ी भी दिखा देता हूँ, जो दूसरी गाड़ी खड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बट यार हमारे 2 जो सबसे टॉप पे आती है ना, जो 2 कार्स वो वेस्ट हो गई। अब यार इतनी मैंने मुश्किल से परचेज़ की थी, एक 400 करोड़ की थी और एक 250 करोड़ की थी, बुगाटी सैवरॉन भाई, उसका तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है भाई, इतना ज़्यादा अफसोस है कि वो यार गलती मेरी नहीं थी, बस पता ही नहीं चला भाई कुछ क्या करें अब यार। वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फीडबैक ज़रूर देना अपना कमेंट में कि हम अब उन 2 गाड़ियों को परचेज़ करें या फिर ऐसे ही गेम को चलती रहने दें। ओके सर, यहाँ पे इसको हम आराम से लैंड करवाने वाले हैं, एक मिनट, आराम से भाई, हाँ आराम से। मैंने पहले इसको हाई जंप करवाया, मैंने बूस्ट को छोड़ दिया और फिर से बूस्ट प्ले किया और नॉर्मल सा भाई इसको रोड के ऊपर स्मूथली अब लैंड करवा लिया है। ओके भाई, एक बंदा बच गया था, मैंने सोचा कि भाई इसे भी हिट कर देते हैं बट वो बच गया, शायद उसकी किस्मत में बचना ही था, बच ही गया वो। ओके सर, यहाँ पे मैं बूस्ट तो दे रहा हूँ, ओह भाई फिर से मैं दरमियान से गुजर चुका हूँ, वो फिर से बच गए। ओके भाई, हमारा पैराशूट तो खुल चुका है भाई, दरमियान में लैंडिंग होनी चाहिए, ये ना हो कि भाई ये भी कार ज़ाया हो जाए, अगर ये भी कार ज़ाया हो गई ना तो मैं तो कसम से ये गेम ही डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके इतनी महंगी महंगी कार्स परचेज़ की हैं और अगर ये सारी वेस्ट होकर टूट जाएंगी तो फिर भाई मेरा क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। ओके सर, फाइनली इतनी अमेजिंग कार तो मैंने यहाँ पे ला के खड़ी कर दी है एंड लास्ट जो हमारा सुपर हीरो नेम है इसका मुझे पता है भाई, इसका नाम है स्पीडी, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीडिंग होता है, मतलब इसके बाद जो पावर होती है वो स्पीड वाली होती है और इसकी जो गाड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार है, ये भी कोई भाई आम गाड़ी नहीं है, ये 350 करोड़ की कार है, मैंने परचेज़ की थी और जो इसका कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और जो इसका नाम है वो है बेंज विजन 822। ओके भाई, ओ भाई आगे से इसका जो लुक देख पा रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक है और इसके जो स्मूथ कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो इसका बूस्टर है ना वो सर बुगाटी सैवरॉन जितना है,
आपको नज़र आ ही रहा होगा कि आम गाड़ी जो हमने पहले जो दो तीन गाड़ियां वहां पे जाके खड़ी करके आए हैं उनसे ज़्यादा बूस्ट है इस लेवल का। इस गाड़ी का जो बूस्ट है वो हाई लेवल का है। ओ भाई आराम से यहाँ पे अगर मैं बूस्ट देता तो भाई गाड़ी सारी टूट गई कसम से यार। दोबारा से मुझे लगता है इसका रिपेयर करवाना पड़ेगा और मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। ओ भाई आराम से सीधी करो हो गई सीधी एंड बैक डन। ओके भाई फाइनली गाड़ी बच गई है भाई, मुझे तो लगा था कि ये भी गई। ओ भाई बच गई। ओके सर आराम से भाई लैंड करेंगे। ओके भाई आराम से ये भी लैंड हो चुकी है और हमने गोल्डन कॉइन्स भी एक दो कलेक्ट कर लिए इस गाड़ी के साथ। और भाई जैसा कि आपको पता है कि शुरू में हमने एक गाड़ी परचेज़ की थी गाड़ी ब्लू कलर की और हम उसको परचेज़ करने के बाद कंगले हो गए हैं और हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचा। अब दोबारा से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और फिर नई नई गाड़ी परचेज़ करनी पड़ेगी और जो हमने गाड़ी खोई है वो भी परचेज़ करनी पड़ेगी। ओके सर बट क्या करें यार, अब वीडियो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि इसका नेक्स्ट पार्ट हम डालें या फिर ना डालें। नहीं यार शिट, ओ एक मिनट भाई, चार गाड़ियाँ फाइनली भाई हमारा जो मिशन है कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही क्योंकि फोर्थ कार्ड जो थी वो नीचे आके जो रैंप था उसके साथ टच हो गई थी जिसकी वजह से हमारी वो भी गाड़ी रुक गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके अल्लाह हाफिज़।